मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम धामी ने पीएम मोदी को पहाड़ी ब्रांड हिलांस के जैविक खेती से बने बेड़ू के उत्पाद भेंट किए। साथ ही उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह और 280 किलोमीटर की पैदल नंदा देवी राजजात यात्रा के विरासत उत्तराखंड के ढोल दमाऊ और रण सिंघा पीएम मोदी को सम्मान के रूप में दिए। मुलाकात के बाद सीएम धामी ने बताया कि प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं पर पीएम मोदी का मार्गदर्शन लिया है। साथ ही उत्तराखंड की मौजूदा आपदा की स्थिति से भी पीएम मोदी को अवगत कराया है। एक दिवसीय दौरे पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उधम सिंह नगर पहुंचे। मंत्री जोशी ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ जिला योजना की बैठक में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ समय पर काम को पूरा करने के सख्त निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने रुद्रपुर शहर में बहने वाली कल्याणी नदी का सर्वे कर अतिक्रमण मुक्त करने को भी कहा। 23 जुलाई को सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट ग्राम बस्तोली निवासी डिगर सिंह खड़ायत का दिल्ली में एक अज्ञात वाहन से भीषण एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि डिगर सिंह खड़ायत दिल्ली में एक निजी प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है। अस्पताल में उनके साथ उनकी भांजी ज्योति कार्की मौजूद है। ज्योति ने K24 न्यूज को बताया कि डिगर सिंह RML में भर्ती है। डिगर सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। उचित उपचार के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। डिगर सिंह के 2 छोटे बच्चे हैं। घर में कमाने वाला कोई और नहीं है। ऐसे में मानवता के नाते आप डिगर सिंह की जान बचाने के लिए आगे आएं और अपनी क्षमता के अनुसार दिए गए अकाउंट डिटेल्स और गूगल पे के माध्यम से मदद करें। देहरादून जिले के त्यूणी क्षेत्र में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां बोलेरो गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त बोलेरो में 3 लोग सवार थे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को खाई से रेस्क्यू किया गया। तीनों घायलों को पुलिस ने त्यूणी के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान एक 18 वर्षीय युवती ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बीच रास्ते में नाइली के नजदीक ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण खो गया और गाड़ी बेकाबू होकर सीधे 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सुभाष रोड स्थित होटल में पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने टेट्रा पैक आंचल दूध छाछ और लस्सी की शुरुआत की। पर्वतीय क्षेत्रों व चारधाम यात्रा मार्गों पर बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तराखंड सहकारी दुग्ध फेडरेशन ने UHD टोंड दूध मसाला छाछ और लस्सी को बाजार में उतारा है। कार्यक्रम में अल्ट्रा हाई टेम्परेचर आंचल दूध और अन्य पदार्थों की प्रदेश से बाहर मार्केटिंग के लिए एक्सप्रेस रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU किया। तो ये थे आज की फटाफट न्यूज़। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें।